दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी क्रीम के बारे में है जो केवल एक ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर ही यूज नहीं की जाती बल्कि अक्सर फर्स्ट एड बॉक्स में भी नजर आ जाती है। एक ऐसी क्रीम जो अंग्रेजी शासन में विदेशी उत्पादों को टक्कर देने के लिए स्वदेशी मूवमेंट के तहत जन्मी थी। ये स्टोरी है बोरोलिन की जो कि 92 साल की हो चुकी है लेकिन आज भी ये कई भारतीय घरों में एक अलग जगह बनाए हुए है। बोरोलिन को बनाने का श्रेय जाता है कोलकाता के गौर मोहन दत्त को। गौर मोहन दत्त ने साल 1929 में लोगों के लिए एक ऐसी भारतीय एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने का फैसला किया जो कि हर भारतीय की पहुंच में हो। उस वक्त अंग्रेजों का शासन था और देश में विदेशी और महंगी क्रीम ही मिलती थी। तो आइए जानते हैं बोरोलिन की स्टोरी और कौन थे गौर मोहन दत्त। गौर मोहन दत्त विदेशी सामानों के आयातक हुआ करते थे लेकिन फिर वो स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ गए। उन्हें ये एहसास हो चुका था कि भारत की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसलिए उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट को बनाने का फैसला किया जो कि क्वालिटी में विदेशी उत्पादों को भी टक्कर दे सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। कई लोगों ने उनके वेंचर की खिलाफत की। गौर मोहन दत्त ने कभी हार नहीं मानी। भारत को आजाद और आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिल में रखते हुए उन्होंने अपने घर में ही विदेशी प्रोडक्ट को टक्कर देने वाले स्वदेशी प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया। उन्हीं में से एक थी हरे रंग के ट्यूब में आने वाली क्रीम बोरोलिन। गौर मोहन दत्त ने इसे 1929 में लॉन्च किया था। बोरोलिन बनाने वाली कंपनी का नाम जीडी फार्मास्यूटिकल्स है। जीडी फार्मा को बोरोलिन पीपल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा तो अब ये जान लेते हैं कि जो ये बोरोलिन शब्द है ये कहाँ से आया। तो बोरोलिन का पहला हिस्सा बोरो बोरिक पाउडर से लिया गया है जो कि एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। दूसरा हिस्सा है ओलिन। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऑयल। कहते हैं कि इस कंपनी पर सरकारी खजाने का एक रुपया भी कभी उधार नहीं रहा। इसके बारे में एक और दिलचस्प बात है कि अक्सर कंपनियां अपने प्रोडक्ट के फॉर्मूले को राज रखती हैं ताकि कोई भी उसके जैसा दूसरा प्रोडक्ट ना बना सके। लेकिन जीडी फार्मा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी भी बोरोलिन बनाने का फॉर्मूला को राज नहीं रखा। बोरोलिन एंटीसेप्टिक में एंटीसेप्टिक बोरिक एसिड एस्ट्रिजेंट व सनस्क्रीन जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। बोरोलिन का उपयोग कटे फटे होठों खुरदरी त्वचा और इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। आज तो लगभग सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का एड टीवी और न्यूज़पेपर में देती हैं। लेकिन बोरोलिन के जमाने में विज्ञापनों का दौर नहीं था तब भी बोरोलिन ने अपनी जबरदस्त पहचान कायम करने में कामयाबी हासिल करी। बोरोलिन जल्दी देश भर के लोगों की पसंदीदा क्रीम बन गई। आजादी के पहले के भारत में कश्मीरी इसे रूखी त्वचा से निजात पाने के लिए और साउथ इंडिया के लोग इसे गर्मी से बचने के लिए लगाते थे। बोरोलिन एक ऐसी क्रीम है जो कि हर स्किन टाइप को सूट करती है। लॉन्च होने के बाद जैसे जैसे साल गुजरे बोरोलिन ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ी। बोरोलिन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर एक्टर राजकुमार तक सभी ने इस क्रीम को यूज किया। अगर आज के टाइम की बात करें जीडी फार्मा की भारत में दो अत्याधुनिक जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफाइड प्रोडक्शन यूनिट है। कंपनी का दावा है कि हर उत्पाद को बेहद ही केयर के साथ मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये फुली ऑटोमेटेड फैसिलिटीज है। कंपनी कई सालों तक केवल एक ही प्रोडक्ट बोरोलिन के सहारे ही रही। लेकिन आज जीडी फार्मा के कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि बियोलिप हैंड वॉश हैंड सैनिटाइजर एलियन सुथोल पैनोरब और नोप्रिक्स प्रोडक्ट की बिक्री करती है। तो दोस्तों ये तो थी बोरोलिन की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।